समय, लोग, नियत, सोच और चेहरे बदलते हैं, दृष्टि भी बदलती है, पर घटनाएं नहीं बदलती। वो स्वयं को बार बार दोहराती हैं, और वो एक ही समय में बाहर भी घटती हैं और भीतर भी। मैं संसार की उन सभी घटित घटनाओं का साक्षी हूं। मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है अपलक, क्योंकि मैं आकाश हूं। मैं आपको महाभारत की फिर वही कहानी सुनाने आया हूं, जिसमें कहीं हम युधिष्ठिर की तरह हारे हुए खिलाड़ी हैं, तो कहीं शकुनी की तरह चौसर के चतुर, कहीं दुर्योधन की तरह बिगड़ैल कुमार हैं, तो कहीं भीम की तरह बेबस महाबली। ये बात और है कि जीवन के इस खेल में कोई जीतने के लिए बार बार हारता है। हैरानी की बात है ना, मैं भी हैरान हूं। लेकिन शकुनी का खेल भी कुछ ऐसा ही था कि वो बार बार हार रहा था। आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गया ना मामा? जब आपको खेलना नहीं आता तो चौसर के इस आयोजन की आवश्यकता क्या थी मामा? आपको क्या लगता है, क्या मैं अपने अपमान का बदला लेने का कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकता था? क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो मामा? लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो भांजे, तुम बहुत कच्चे हो, इसलिए मामा शुकनी से प्रश्न कर रहे हो। ये जीवन एक खेल है, संख्याओं का मेल है। सिर्फ खेल देखो भांजे, सिर्फ खेल देखो। देख तो रहा हूं मामा, देख तो रहा हूं। उन पांडवों के मुख पर मुस्कान देख रहा हूं, अपनी नाक कटते देख रहा हूं मामा। और कितना दिखाओगे, क्या दिखाओगे? मिट्टी डालो भांजे, अपने इस तुच्छ ज्ञान पर मिट्टी डालो। कुछ सच भविष्य के गर्भ में छुपे होते हैं, जिन्हें तुम्हारी ये साधारण आंखें हैं ना, नहीं देख सकती। इसलिए धीरज रखो भांजे। धीरज के कारण ही तो ये इतना कुछ देख लिया मामा, पर अब और नहीं देखा जाता ना, और नहीं, मेरा धीरज टूट रहा है मामा। मेरे ये पासे वो तूफान है जो पांडवों को उड़ा के ले जाएंगे भांजे। पांडवों की ये विजय तो बस उस तूफान से पहले की शांति है, शांति। तो इस बार क्या होगा? क्या वो हारे हुए सारे गांव, सारे हाथी और घोड़े हमें वापस मिल जाएंगे? तुम बस देखते रहो भांजे, और मेरी तरह लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो। ये भरत वंश का दुर्भाग्य है विदुर, विनाश का आरंभ है ये द्यूत। मैं कभी इस द्यूत क्रीड़ा के पक्ष में था ही नहीं तात। परंतु इस द्यूत से भी बड़ा दुर्भाग्य है शस्त्र प्रदर्शन। मैं समझ नहीं पाता कि अतिथि के रूप में आए हुए इन पड़ोसी राजाओं को किसने आमंत्रित किया है। और कौन करेगा तात? मामा शकुनी के इशारे पर भांजे दुर्योधन ने आमंत्रित किया है। तो क्या इसे ज्ञात नहीं है कि आपसी क्रीड़ा में पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित करना राज धर्म के विरुद्ध है? ये शकुनी की कूटनीति है तात। उसने सोचा होगा कि यदि कोई हस्तक्षेप करे तो बल प्रयोग किया जा सके। मैं जानता था कि विदुर ऐसा ही होगा। इस बार दाव पे क्या लगा रहे हो भांजे दुर्योधन? रत्न भंडार, मैं अपना रत्न भंडार दांव पर लगाता हूं मामा। तो मैं भी रत्न भंडार दांव पर लगाता हूं। ये रहा 5। ये मारा 5 नहीं 3। इस बार तुम बाजी हार गए महाराज युधिष्ठिर। रुको मामा शकुनी, बिना खेले आप अपनी जीत की घोषणा नहीं कर सकते। हाथ कंगन को आरसी किया, अभी देख लेते हैं। ये रहा 5। अब तो ठीक है ना धर्मराज, अब तो हम जीत गए ना, हैं?
यह भी कोई शंका बाकी है? तो ठीक है मामा, अब मैं अपना संपूर्ण स्वर्ण और आभूषण दाव पर लगाता हूँ। और तुम बोलो मेरे प्यारे भांजे। अब भ्राता युधिष्ठिर की बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं भी अपने स्वर्ण और आभूषण दाव पे लगाता हूँ, क्योंकि खेल तो बराबरी का होना चाहिए। इसके लिए ये रहा साथ। महाराज युधिष्ठिर, देखो देखो देखो, आ गया है साथ, तुम्हारी फिर से होगी है मात। महारानी, महारानी द्रौपदी। क्या हुआ निहारिका, क्या मेरी आशंका सच हुई? हाँ, महाराज युधिष्ठिर ने तो दो ही दावों में इंद्रप्रस्थ को दरिद्र बना दिया। बस अब आगे कुछ मत कहो, मैं सुन नहीं पाऊंगी। पर महारानी, सच तो सच है, इसे स्वीकार तो करना होगा। ये सच तो मैंने उसी समय स्वीकार कर लिया था जब दुर्योधन का निमंत्रण आया था, तभी मुझे इसका आभास हो चुका था। सुनो, क्या अभी भी पांडव खेल रहे हैं? जी महारानी, ये खेल अब रुकने नहीं वाला है देवी। युधिष्ठिर, और कुछ है दाव पे लगाने के लिए? मैं अपनी सेना, दास दासियां, अन्न भंडार और इंद्रप्रस्थ दाव पर लगाता हूँ। वाह वाह भैया युधिष्ठिर, वाह, ये हुई ना बात, तो मैं भी दाव पर लगाता हूँ। पासे फेंकी मामा, पासे फेंकी। चलो फेंका और समझो के जीता। तीन। लो आ गया तीन। भांजे तुम हुए धनवान और युधिष्ठिर हुआ दीन। वाह मामा वाह। ये पांडवों की नहीं, कुरुवंश की हार है विदुर, उस कुरुवंश की जिसे मैंने वट वृक्ष की तरह अपने रक्त से सींचा है, और मैं अपने जीते जी कुरुवंश की पराजय कभी नहीं देख सकता। तो रुकवाइए इस द्यूत को, यह द्यूत रुकवाया जा सकता है तात। नहीं विदुर, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। इस स्थिति में दुर्योधन और शकुनि को रोकने की कोशिश भी की गई तो ये सभागृह युद्ध का मैदान बन जाएगा। आप उन्हें ये द्यूत क्रीड़ा रोकने का आदेश तो दीजिए तात, संभव है हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा बच जाए। क्या बचाने की कोशिश करूं विदुर, युधिष्ठिर अपनी सेना तक हार चुके हैं, अब तो बस स्वयं को दांव पे लगाना शेष है। और विवशता ये है कि शकुनि की चालों में फंसे युधिष्ठिर ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भैया अब बंद कीजिए विनाशकारी खेल और चलिए यहां से। पर भीम, धर्मराज खेल छोड़कर जाएंगे कहां? चूहे की बिल में या द्रौपदी के दिल में? अब तो तुम्हारे पास इंद्रप्रस्थ तक नहीं है। जो कुछ तुम हार गए हो वो सब कुछ वापस पाने के लिए एक ही रास्ता है, दाव लगाओ, लगाओ दाव, जो अभी भी शेष है उसे लगाओ। मामा सत्य कह रहे हैं बड़े भैया। विचार मत करो धर्मराज, सत्यानाश हो जाएगा, दाव लगाओ। आप सुन रहे हैं महाराज, कुरुवंश के लिए जितना मान सम्मान पितामह भीष्म ने अर्जित किया है, कुमार दुर्योधन उसे मिट्टी में मिला रहे हैं। मुझे दुख है विदुर कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप महाराज हैं, हस्तिनापुर के सम्राट, और आप विवशता की बातें कर रहे हैं। आप देख नहीं सकते, पर क्या आपको सुनाई भी नहीं देता?
क्या आपने कभी सोचा था कि दुर्योधन का द्वेष इस सीमा तक जाएगा कि वो पांडवों का मान सम्मान मिटाकर उन्हें अपना दास बनाना चाहेगा? नहीं विदुर, नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ करेगा। तुम नाहक भयभीत हो रहे हो। आप सच को झुठलाने की भूल कर रहे हैं महाराज। यदि आप हस्तिनापुर को विनाश से बचाना चाहते हैं तो इस जूत क्रीड़ा को अभी रोक दें। मेरी बात समझने का प्रयास करें महाराज। हस्तिनापुर सर्वनाश के सन्मुख खड़ा है। बस 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 तात विदुर, बस इस सभा को बाधित करने का प्रयास ना करें, अन्यथा ऐसा ना हो कि हस्तिनापुर के पहले सर्वनाश आपको देखना पड़े। विवेक से काम लो कुमार दुशासन। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। मुझे अच्छी तरह पता है तात। मुझे समझाने का प्रयास ना करें। क्या आपको लगता है कि हम आपकी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं? आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं महाराज? चुप रहिए तात विदुर, चुप रहिए, वरना मेरी तलवार आपके रक्त से अपनी प्यास बुझाएगी। इस सभा की मर्यादा भंग कर रहे हैं आप तात। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। इन्हें जीतने का मौका भी तो देना चाहिए ना। निहारिका, द्यूत सभा में क्या हो रहा है, कोई सूचना? मैं तो इस स्थिति में वहां जा भी नहीं सकती। वहां जो हो रहा है मुझ में उसे बताने का साहस नहीं है देवी। क्या हुआ, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना निहारिका? इससे अधिक अनहोनी और क्या होगी महारानी। महाराज युधिष्ठिर पूरा इंद्रप्रस्थ हार चुके हैं। क्या, ये क्या किया धर्मराज ने? मैं ये सब बंद करा कर रहूंगी। अब ठहरिए देवी, आप रजस वाला हैं, ऐसे में आप सभा में कैसे जा सकती हैं? काश आप ये सब सुनने के लिए हस्तिनापुर आती ही नहीं। मैं जानती थी यही होने वाला है। मैं जानती थी उस नीच दुर्योधन के षड्यंत्र को। मैं जानती थी। यदि खेल आगे बढ़ा तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। अपने पुत्र की बातें सुनी आपने? दुर्योधन में पांडवों से सीधे लड़ने का साहस नहीं है, इसलिए वो दुष्ट शकुनी के इशारे पर नाच रहा है। यदि आपने इस खेल को यहीं पर बंद नहीं करवाया तो कुरुवंश के साथ साथ सारे आर्यवर्त का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा महाराज। तात विदुर जो कर रहे हैं पिताश्री, उसके लिए यदि मैं उन्हें काल के मुख में भी भेज दूं ना तो मुझे दोष मत दीजिएगा। ऐसा ना कहो पुत्र, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे तात विदुर सदा तुम्हारा हित चाहते हैं। मुझे मत समझाइए पिताश्री, कौन मेरा हित चाहता है कौन नहीं मैं सब जानता हूं। जैसे कर्म है इनके, इससे तो ये मेरे तात हो ही नहीं सकते, 100 जन्मों में भी नहीं। एक दासी पुत्र दुर्योधन का तात कभी हो नहीं सकता पिताश्री। तुम निरंकुश हो रहे हो पुत्र, भले बुरे की पहचान भूल रहे हो। विदुर जैसे ज्ञानी का परामर्श व्यर्थ नहीं है। मैं जो कुछ भी करूंगा पिताश्री, इस दासी पुत्र की इच्छा से तो बिल्कुल नहीं करूंगा। भले ही आप उसे निरंकुशता कहें, पर ईश्वर सदा मेरे साथ है और मैं सदा उसी के कहे पर चलता हूं। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए और मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज नकुल को दांव पे लगाया है। यदि जीत गए उन्हें अपना स्वर्ण और अन्न भंडार वापस मिल जाएगा, और नहीं तो नकुल हमारे सेवक होंगे। इस बार भी कुमार युधिष्ठिर की बाजी हाथ से निकल गई। अब निकल गई क्या करें, उसके पास हताशा के अलावा कुछ नहीं बचा, सब हार गया। लेकिन आपको मालूम है हार का सबसे बड़ा कारण सही फैसले न ले पाना। रिस्क
इज अ पार्ट ऑफ एवरी गेम, बट शुडंट इट बी अ कैलकुलेटिव रिस्क? नहीं, ऐसे सवाल आया मन में तो पूछ लिया। एनीवेज, उधर कुटिल शकुनी दुर्योधन की बुद्धि और विवेक पर छा चुका था और इधर पिता में भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं मतलब नथिंग। सुनते रहिए महाभारत। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HD स्मार्ट कास्ट।